राजनीति में कब कौन किसके साथ हो जाए और कब कौन किसका साथ छोड़ दे, ये कहना मुश्किल है। ओम प्रकाश राजभर आज एनडीए के साथ हो गए। इसका खुलासा रविवार को तब हुआ जब अचानक ओम प्रकाश राजभर ने एक सियासी बम फोड़ दिया। असल में 16 जुलाई रविवार सुबह ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे की तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्या सामने आई, प्रदेश की सियासी तपिश बढ़ गई। अमित शाह और राजभर दोनों की तरफ से ऐलान हुआ कि SBSP अब भाजपा के साथ है, यानी कि एनडीए का हिस्सा है। इस बीच ट्विटर पर मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी का नाम भी ट्रेंड करने लगा। ऐसे में माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर लोगों की नजर टिक गई है। अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट पर मऊ सदर से विधायक चुने गए थे। सुभाषपा के मुखिया एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। अभी तक अब्बास अंसारी की तरफ से एनडीए में शामिल होने या सुभाषपा छोड़ने की जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि 2022 का विधानसभा चुनाव सपा और सुभाषपा ने गठबंधन में लड़ा था। मऊ सदर की सीट सुभाषपा के खाते में आने पर अब्बास अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया। अब्बास अंसारी ने सीट से जीत भी दर्ज की। आखिरकार 16 जुलाई को अमित शाह से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए। 4 साल बाद गठबंधन में राजभर की वापसी हुई है। 2017 में राजभर की पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन 2022 में वो अखिलेश के साथ हो गए थे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सुभाषपा ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा। अब्बास ने चुनाव में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह को 38,000 से ज्यादा वोटों से हराया और पहली बार विधायक बने। लेकिन SBSP के एनडीए में शामिल हो जाने से अब्बास अंसारी बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। तो सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि अब्बास जिस पार्टी का हिस्सा है वो इस वक्त बीजेपी के साथ है और मुख्तार अंसारी वैसे ही बीजेपी के खिलाफ रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्तार अंसारी को मिट्टी में मिलाने के लिए योगी और यूपी की पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे की पार्टी बीजेपी के साथ होली है। अब ऐसे में अब्बास का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।